अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फैसल रहमान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पावर एंड टेलीकॉम सॉल्यूशंस। व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे रेक्टिफायर मॉड्यूल के बारे में कि ये कौन सी कंपनी के होते हैं और इसमें कितनी इनकी इनपुट होती है, कितनी आउटपुट होती है। तो इसमें व्यूअर्स बेसिकली ज़्यादातर जो है इस्तेमाल होते हैं वो इमर्सन के, इमर्सन, इसके अलावा एलटेक, डेल्टा के, इसके अलावा और भी आजकल बहुत ज़्यादा कंपनी आ गई, लेकिन बेसिक जो है ज़्यादातर इन्हीं तीन कंपनियों के मॉड्यूल्स इस्तेमाल होते हैं। ये जो सबसे पहले हमारे सामने पड़ा हुआ है ये इमर्सन का है, इमर्सन 3200 वाट का, इसकी 220 इनपुट है, ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, और 53 वोल्ट यहाँ पे, ये देखें ये 48 वोल्ट, लेकिन ये जो आउटपुट है होती है इसकी 53 वोल्ट होती है, क्योंकि 48 वोल्ट की बैटरी होती है तो उसको चार्ज करने के लिए आपको कम से कम 53 वोल्ट चाहिए। तो ये 3200 वाट का है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको और भी दिखाता हूँ मॉड्यूल्स, ये एक दूसरी कंपनी का है एनाटेल, इसकी जो है इनपुट 110 से लेके 240 तक, लेकिन ये ज़्यादातर 240 पे ही ऑपरेट होते हैं। एनाटेल कंपनी का है, ये नई कंपनी है, ठीक है। इसमें ये हमारे पास ये भी इमर्सन के हैं, ये सब मॉड्यूल ये एनाटेल हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास है एलटेक, ये एलटेक फ्लैट पैक है जो लेटेस्ट मॉडल है एलटेक के। पहले एक और किस्म का मॉडल आता था 1800 वाट का, तो उसकी जगह आजकल ये नया एलटेक ने, ये नया 3000 वाट का, तो बहुत ही ज़बरदस्त मॉड्यूल है ये। इसके अलावा ये आगे हमारे पास पड़ा हुआ है डेल्टा का, डेल्टा 2700। इसके अलावा हमारे पास ये PTT की नई कंपनी आई है, ये बस इनके मॉड्यूल हैं, इसकी इनपुट जो है, इसकी भी इनपुट 220 और आउटपुट 53 वोल्ट है। ये नीचे पावर वन का है, ये नीचे सबसे नीचे ये पुरानी टेक्नोलॉजी है टैप जॉब, आजकल तो ये बिल्कुल बहुत कम इस्तेमाल होते हैं ये पुराने जो मॉडल हमारे पास पड़े हुए हैं। इसके अलावा ये भी इमर्सन का एक और दूसरा मॉडल है, ये फ्लैट पैक में है। व्यूअर्स, आज हमने इनका जायज़ा लिया कि कौन कौन सी कंपनियों के होते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो में हम इनको बताएंगे कि इसमें क्या कुछ फॉल्ट आते हैं और कैसे फॉल्ट को ट्रेस करना है।